हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। और ये टाइप दो होगा, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, प्लस में 4x² है और माइनस कितना है, -6 है। तो इसको गुना कर देंगे, प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 4 को 6 से गुना, 4 × 6 = 24 और यहाँ पर x² हो जाएगा। अब इसको हमें ऐसे दो भाग में बांटना है जिनका गुणनफल 24x² होना चाहिए और योगफल 5x होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बांट सकते हैं 12 × 2 = 24, 6 × 6 = 24, ठीक है। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो फिर इनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 24 का। तो 12 × 2 = 24 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, फिर हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो इसको ले सकते, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 6 × 4 = 10, नहीं पूर रहा है। तो फिर इसको हम ले सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8 और 3, ठीक है। तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, बिल्कुल। इसको हम ले सकते हैं 8 और 3, 8 × 3 = 24 और 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा। तो इसको हम लिख देंगे एक्स, एक्स दोनों तरफ लगा देंगे और ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 8 × 24 = x², ठीक है। और 8 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस में 5x हो जाएगा, यानी कि 5x का बंटवारा हम कर सकते हैं 8x - 3x, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x² + 5x को लिख देंगे 8x - 3x और यहाँ पर -6 लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ठीक है। इन दोनों में तो दोनों से 4 कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 4 ले लेंगे, फिर दोनों में x कॉमन आ रहा है, x लेंगे और यहाँ पर कोष्ट लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितना कॉमन लेते हैं, ठीक है, उसमें उतना से भाग करते हैं। तो 4x² में 4x से भाग करेंगे तो 4 4 कट जाएगा और x² से 1x कटेगा तो 1x बचेगा, उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 8x में 4x से भाग करेंगे तो 4 × 2 = 8, ठीक है, यानी 2 आएगा। फिर यहाँ पर x x कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। फिर यहाँ दोनों में देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों में 3 है, ठीक है। 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 1 = 3 होता है, तो 3 ले लेते हैं और कोष्ट लगा देते हैं। अब 3 से इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट में अब ये हो गया है, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या x प्लस 2 जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो ये x प्लस 2 वाला डब्बा को निकाल लेंगे कॉमन, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 4x - 3, ठीक है। और ये हो गया आपका गुणनखंड, क्लियर है। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर है x² + 2x - 8 है, ठीक है। तो इसका भी वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x² - -8, तो ये हो जाएगा प्लस गुना माइनस, माइनस 8 को x से गुना करेंगे तो 8x². अब इसको ऐसे दो भाग में बांटना है जिनका गुणनफल -8x² होना चाहिए और योगफल 2x होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 × 2 = 12, नहीं हो रहा है। तो 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। 2 × 6 = 8, 2 × 2 = 4, क्लियर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8, हाँ इसको लिख सकते हैं 4 और 2, ठीक है। 4 × 2 = 8 और 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। दोनों तरफ x लगा देंगे, इसको रखेंगे प्लस में, ये कर देंगे माइनस में। अब देखिए इनको गुना करेंगे तो हो जाएगा -8x² और इनको जोड़ेंगे, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा प्लस में 2x, यानी अब 2x को हम लिख सकते हैं 4x - 2x। चलिए लिखते हैं, x² उतार देंगे प्लस 2x के बदले में लिखेंगे 4x - 2x, अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये देखिए दो भाग में है, ठीक है।
तो अब इन दोनों में x कॉमन है तो x ले लेंगे, अब एक्स स्क्वायर में x से भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा x, फिर चार एक्स में x से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में चार, फिर इन दोनों से माइनस दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, ठीक है, और फिर आठ में दो से भाग करेंगे दो चौके आठ, क्लियर। अब देखिए दो भाग में बट गया, अब दोनों में x प्लस फोर क्या कॉमन है तो x प्लस फोर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस टू बचेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और ये जो है एच डब्ल्यू में आप लोग के लिए इनका जो है गुणनखंड करके आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।